24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार आने वाले हैं। वहीं जब इन तीनों के बिहार दौरे को लेकर बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने इनके बिहार दौरे का कारण बताया और साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनके जन विश्वास यात्रा में लोग उमड़ रहे हैं, लोग जुट रहे हैं, वैसी भीड़ भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता और मंत्री के कार्यक्रम में नहीं होती है, इस पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो में सुनिए। बीजेपी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी लोग बिहार आने पर मजबूर हो चुके हैं। एक कार्यक्रम पहले तय था, माननीय प्रधानमंत्री का प्रोग्राम जो था पहले निर्धारित है, कोई विकल्प नहीं रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, तो आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सारे कार्यक्रम महीनों पहले हो चुका था। आ रहे हैं और पूरे देश में बिहार में मोदी जी का लहर चल रहा है। तो जो बातों को कह रहे हैं उनके भाषण में जरा दम नहीं जा रहा है। बताएगा चुनाव चुनाव में हमारा मानना है 40 से 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए उम्मीदवार जी होगा। इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा करके फिर से मोदी जी 400 का पार होंगे। सर सर गया का एक मामला है सर, और तेजस्वी ने दिया है कि हमारी जो रैलियों में भीड़ हो रही है, एनडीए में कोई ऐसा नेता नहीं है जिस तरह की भीड़ ला सके जो हमारी रैलियों में भीड़ उत्पन्न हो रही है। ये सब बनावटी बातें जा रही है और लाए जा रहे हैं मैरिज भीड़ जा करके, वो भीड़ जनता नहीं आ रही। जाकर जनता 15 वर्षों में देखा, 17 महीने में देखा जा करके बिहार ने क्या किया, जिस जानकारी मुझे सिवान में कुख्यात अपराधी तो बड़ा मुकदमा चल रहा है, ऐसे अपराधियों को लेकर चल रहे जाकर के हैं। बिहार की जनता के झांसे में आने वाली नहीं जाकर के हैं और मैं मानता हूँ एक मैनेज भीड़ जाकर के हैं। भीड़ तो भाजपा में देखिए, जब हमारे नेता जब आते हैं वो आंधी चलती है, बाढ़ आ जाती जाकर। सर गया जिले के सर गया जिले के वरिष्ठ नगर में जो बताया था ग्रामीणों से कहा था तीन लोग घायल है। देखिए बिहार में कानून का राज आ गया, भैया आप माफिया, अरे भैया जमीन माफिया, भैया हाथ हटाइए ना, ऐसे तो बाद में सिर्फ लीजिएगा। उन माफियाओं का हालत खत्म हो गया है बिहार में। अब बिहार में जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया का जमाना खत्म हो गया है। बिहार में कानून का राज आ गया है, कानून को हाथ में लेने का हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। तो आपने सुना बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार को जो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है उनके बिहार दौरे को लेकर कहा है कि इनका जो कार्यक्रम है वो पहले से निर्धारित है और लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से देश में मोदी का लहर चल रहा है और बिहार की 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। वही उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि तेजस्वी यादव जिस भीड़ की बात कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा, बिहार में एनडीए के शासनकाल में अच्छा काम हो रहा है और 15 वर्ष जब बिहार में राजद ने शासन किया था तब बिहार की जनता ने देखा था, बिहार की जनता उस भय में उस माहौल में रही है, इसलिए बिहार की जनता अब उन्हें और बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ जहां एनडीए 40 सीटों पर जीतेगा तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया 0 पर आउट होगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें Facebook पर देख पा रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।